हेलो एवरीवन, मैं हूँ नैन्सी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मीठी फैमिली चैनल में। और अभी बजे हैं शाम के 5 और आज है धनतेरस और आज प्रदोष भी है, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। खूब अच्छे से शॉपिंग करिए और फिर लास्ट शाम टाइम पूजा भी करिए। तो मेरा आज प्रदोष है, मैं आज प्रदोष व्रत रहती हूँ, तो मैंने आज लौकी का हलवा सोचा है बनाने को। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने लौकी का हलवा कैसे बनाया है। सबका अपना अपना तरीका होता है लौकी का हलवा बनाने का भी, तो चलिए मैं अपना जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे ज़्यादा तो फिर आप भी उसको ट्राई करिएगा बनाकर। वैसे लौकी का हलवा नहीं, सॉरी, मैं खीर बनाऊंगी, लौकी की खीर बनाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं कैसे बनता है खीर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मुलायम लौकी ले ली है, छोटी है साइज में, और उसे छील लिया है, छील कर धो लिया है। और फिर उसको मैंने एक जो कद्दूकस होता है उसमें इसको किस लूँगी अच्छे से। वैसे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है लौकी, और ये मैंने कद्दूकस की हेल्प से इसको किस लिया है कद्दूकस में। और ये कुछ लच्छेदार इस तरह से किसने के बाद ही कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और फिर मैं जो और बचे हुए लौकी हैं उसे अच्छे से इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। और अगर लौकी का साइज बहुत बड़ा है तो पकड़ने में आसानी हो रही है, इसलिए मैंने इसे चाकू से छोटे छोटे से नहीं काटे। आप चाहो तो छोटे छोटे काट के भी इसे घिस सकते हो। और ये मैंने पूरा घिस लिया है, थोड़ा सा बचा है तो अब मैं इसे भी घिस लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से घिसने के बाद हो गए हैं ये। अब जो बचे हुए हैं मैं इन्हें भी घिस लेती हूँ। एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में मैं एक हाथ से मैं घिस रही हूँ, इसलिए बन नहीं रहा है ठीक से मुझसे, क्योंकि उस टाइम पर कोई था नहीं मेरे पास जो कैमरा को पकड़े। सो मैंने अपने से ही किया इसको। और फिर मैंने मोबाइल को ऊपर रख दिया। और ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा जो भी आप फरार के लिए यूज़ करते हैं तेल, वो ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है क्योंकि आज मेरा व्रत भी है, तो मैंने इसमें सनफ्लावर ऑयल लिया है। और अगर व्रत नहीं है तो आप इसमें कुछ भी कोई सा भी तेल डाल सकते हैं या फिर देसी घी से छोंक सकते हैं। और ये कुछ इलायची दाने हैं, और आप इलायची दाने पीस कर भी डाल सकते हैं पाउडर जैसा भी, पर मैंने इसको सोचा कि इलायची दाने से तड़का लगा देती हूँ, बहुत टेस्टी आता है, इससे भी बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, लौकी के खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। और जब ये अच्छे से क्रैक हो गए तो फिर मैंने इसमें जो कद्दूकस किए हुए लौकी थे घिस के जो मैंने रखे थे मैं उसे डाल दूंगी अच्छे से। और अगर आपको थोड़ी सी भी कैमरे की जैसे प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जो कि कैमरा को पकड़े और वीडियो बनवाने में हेल्प कर पाए। उस टाइम पर मैं शाम टाइम पर अकेली थी और जो भी थे वो सब बाहर थे। और ये मैंने फिर इसे अच्छे से चला दिया है। अब मैं खूब अच्छे से इसको भूंज लूँगी जब तक इस लौकी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक इसे अच्छे से भूंज लूँगी मैं। आप भी खूब अच्छे से जब भी लौकी की खीर वगैरह बनाए तो अच्छे से भूंज लें, और फिर इसे मैं ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। वैसे लौकी में इतना पानी होता है कि वो खुद ही पक जाता है, उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए लौकी ने पानी छोड़ दिया और इसी पानी में ये पक भी जाएगा। अब मैं इसे अच्छे से भूंज रही हूँ ताकि जो चिपके हैं नीचे वो छूट जाएं। और फिर मैंने ये दूध लिया है, मैंने दूध को पहले से बहुत अच्छे से पका लिया था जिससे ये गाढ़ा हो गया है, तो
और लौकी तो मेरी भूंजते भूंजते ही पक गई है। इससे क्या होता है कि जल्दी से लौकी का हलवा बन जाता है, सॉरी लौकी की खीर जल्दी बन जाती है। और ये मैं इसको अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर रही हूँ लौकी को। आप दूध की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, आपको अगर बहुत अच्छे से गीला गीला खीर पसंद है तो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, चीनी, और मैंने इसमें चीनी डाल दी है। जितना आपका लौकी है उसी मात्रा में आप चीनी भी डालें, जितना आप मतलब पसंद करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। अब मैं चीनी, दूध और लौकी तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है और मेरा भी तरीका अगर कुछ अलग है तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बैड कमेंट्स बिल्कुल मत करिएगा। और ये मैंने कुछ मेवे काट के रखे थे और मैं इन्हें भी इसमें ऐड कर दूँगी। मेवे ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहो तो डालो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं मेवे को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे मैंने ढक दिया। और फिर मैंने इसे जब हटाया ऊपर का ढक्कन तो ये कुछ इस तरह से है आपके सामने। अब मैं एक कटोरी लूँगी और उस कटोरी में थोड़ा सा खीर निकाल कर मैंने इस कटोरी में खीर को निकाल लिया है। आप कोई भी चीज़ बनाइए, जब आप उसे बिल्कुल सुंदर सा सजा के परोसेंगे ना तो खाने वाले को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसे देखकर ही इतना आनंद आ जाएगा। और मैंने इसे कुछ बादाम के टुकड़ों से सजा दिया है। और कैसी लगी मेरी खीर बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और आप कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। मेरी खीर बनके बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फरार बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और अब हम करेंगे पूजा। और फिर पूजा करने के बाद मैं दिए जलाऊंगी, तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर दिए जलाते टाइम आपसे मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे 5 दिए लिए हैं। वैसे तो धनतेरस में लोग 13 दिया लेते हैं, मैंने 5 ही लिए हैं। यहाँ पर जो मेरी दादी सास हैं वो 5 ही दिए जलाती हैं हमेशा। आप 5, 7, 11 या 13 दिए ले सकते हैं, या जैसा आपके यहाँ होता है वैसे आप ले सकते हैं। अब मैं इसे अपने जहाँ पर पूजा की अलमारी है वहाँ पर ले जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दिया रख दूँगी, जहाँ पर हम लोग रोज़ पूजा करते हैं वहाँ पर एक दिया रख देना चाहिए मंदिर में अपने। सबसे पहले मैंने पहले से पूजा की है, अभी मैंने पूजा की शाम को फरार बनाने के बाद, और मैंने जो फरार का प्रसाद है उसका भी भोग यहाँ पर लगा दिया है। और एक दो अगरबत्ती भी जल रही है यहाँ पर। मैंने अपना फरार भी यहाँ पर रखा है, एक ग्लास पानी भी रख दिया है। और मैं एक दिए को उठाकर यहाँ पर रख दूँगी इसी प्लेट में। सामने विराशनी माता बैठी हुई हैं और उनके बगल में गणेश लक्ष्मी हैं जो इस साल विसर्जित हो जाएंगे, पिछले साल की हैं, और नए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आ जाएगी। और फिर मैंने इसे अपने किचन के बाहर एक दिया रख दिया, और फिर रूम के भी बाहर रख दी थी मैंने एक दिया। और मैं अब सीढ़ियों से जाकर छत पर जाऊंगी, सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जाऊंगी। और एक दिए को तुलसी माता में, यहाँ पर बहुत अच्छी घंटी की आवाज़ आ रही थी मंदिर से तो मैंने उसको नहीं हटाया। और यहाँ पर मैं एक दिया तुलसी जी में रख दूंगी। आपके घर भी तुलसी जी का पौधा होगा तो आप भी एक दिया तुलसी जी में रख दीजिए, धनतेरस के दिन भी और दीपावली के दिन भी।
और फिर मैं जो एक आखिरी दिया बचा है उसको लेकर बाहर, जो बिल्कुल बाहर मेन गेट होता है आपके घर के अंदर एंटर करने का, वहाँ पर रख दीजिए कुछ इस तरह से। और फिर मैंने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग भीड़ लगा कर खड़े थे, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि यहाँ जो मेरे घर के सामने एक पेड़ है बड़ा सा, उस पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ था, बड़ा सा उल्लू। तो मैंने कहा कि लाओ मैं इसे भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ, पर ये मेरी मम्मी जी हैं, टहल रही हैं बाहर और सब लोग ऊपर की ओर देख रहे थे। पर जो क्या बताऊँ, इतना अंधेरा है वहाँ पेड़ पर कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैंने तो तो देखा। फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से अपना धनतेरस का पूरा दिन बिताया है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अब मैंने पूजा भी कर ली है और मैं अब जा रही हूँ अपना फरार करने, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी धनतेरस, और एडवांस में हैप्पी दीपावली। बाय बाय।